लो, विक्टोरियन एज के इम्पोर्टेंट इंग्लिश पोएट हैं। आर्थर हक क्लो वॉज बोर्न ऑन 1 जनवरी 1819 एंड ही डाइड ऑन 13 नवंबर 1861। ही वॉज द इंग्लिश पोएट एंड एजुकेशनलिस्ट एंड द डिवोटेड असिस्टेंट टू फ्लोरेंस नाइटेंगल। ही वॉज द ब्रदर ऑफ सफ्रेजिस्ट एन क्लो एंड द फादर ऑफ ब्लैंच एथना क्लो, हु बोथ बिकेम प्रिंसिपल्स ऑफ नाउनहम कॉलेज कैम्ब्रिज। हिज होमेरिक पास्टोरल द बोथ ही ऑप्टोपरना फ्यूसिच, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ क्लो। आफ्टरवर्ड्स रीनेम्ड, इस न्यू नेम इज टोबरना व्योलिच। इट पब्लिश्ड इन 1848 एंड रिटन इन हेक्सामीटर इन फुल ऑफ सोशलिज्म, रीडिंग पार्ट्री ह्यूमरस एंड स्कॉटिश सीनरी। वन मोर इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ आर्मर्स, आमर्स डे वॉइज अ नॉवल इन वर्स वॉज रिटन एट रोम इन 1849 बाय क्लो। एंड थर्ड इम्पोर्टेंट वर्क इज डिप्सिचस, पब्लिश्ड इन 1850। इट वॉज अ सटायर एंड पब्लिश्ड इन 1850। दिस वर्क इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द विक्टोरिया कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इट्स टू स्पिरिचुअल वॉइसेज, साइंस एंड रिलीजन। बट एज इट इज यूअल विथ क्लो, द नोट ऑफ सीरियसनेस इन द पोएम इज ऑफन ब्रोकन बाय विट एंड ह्यूमर। क्लो वॉज अ लाइफ लॉन्ग फ्रेंड एंड कॉलेज कंपेनियन ऑफ अर्नॉल्ड एंड हिज डेथ वॉज द सब्जेक्ट ऑफ मैथ्यू अर्नॉल्ड्स एलिजी थायरिसिस। नेसेसरी टू रिमेंबर इट एंड से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेथ इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ क्लो। A usual anthology piece put forward and optimistic message of action and hope for the best. Now this is the important work of Arthur Hugh Clough. Okay, I think it will be helpful for you for NET preparation and PGT English exam. Thank you.